आइए शुरू करते हैं अंतर मन की सच्ची कहानियाँ। आपने अभी तक हमारे चैनल को इतना प्यार दिया, उसी के लिए आपका शुक्रिया करते हैं हम। और हमारे चैनल के बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली अंतर मन की सच्ची कहानियाँ आपको जल्द से जल्द देखने और सुनने को मिले। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत। अंतर मन की सच्ची कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। रजिया जब 13-14 साल की हुई तो उसकी माँ को उसकी शादी की फिक्र हुई, मगर खानदान और बरादरी में कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा था। अगर कोई मिलता तो लड़के या उसके घर में कोई ना कोई ऐब जरूर होता। सबसे छोटी औलाद होने की वजह से रजिया को अम्मा जाफरा तसल्ली बख्श ससुराल में भी आना चाहती थी कि अब बुढ़ापे में ना जाने कब दम निकल जाए। जिंदगी का क्या भरोसा, फिर मेरी लाडली बच्ची की रखवाली कौन करेगा? अल्लाह ना करे अगर ससुराल से कभी ना बनी तो मेरी बच्ची कहाँ जाएगी? बस इसी तरह के वसवसे अम्मा जाफरा को परेशान किए जा रहे थे। दिन पर लगाकर उड़ रहे थे, अम्मा की परेशानी में हर रोज इजाफा हो रहा था। कहते हैं बेटियां पराया धन होती हैं, उन्हें फलने फूलने में देर नहीं लगती, मगर उनके पैदा होते ही वालिदैन उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। खासकर देहाती इलाकों में वालिदैन की तरफ से ज्यादा लाड प्यार अकलौती औलाद को नसीब होता है या फिर सबसे छोटी। रजिया 7 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। बड़ी बहन नसीम और हलीमा दोनों जिला लिया में ब्याही थी, तीसरी बहन परवीन कराची में मुकीम थी और तीनों भाई भी शादीशुदा होकर फैमिली के साथ कराची के होके रह गए थे। रजिया यहाँ मुबारकपुर में रह गई। रजिया, अम्मा जाफरा और अब्बा फजलदीन, जो कि अब दिन रात जमीनों पर ही रहता था, जिसको टीबी की शिकायत थी, एक दिन बीमारी ने शिद्दत इख्तियार की, फिर तबीयत ना संभल सकी और फजलदीन इस दुनिया से रहलत फरमा गए। अम्मा जाफरा की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। कफन दफन, फिर स्वयं, फिर चेहलम, तमाम रसूम से फारिग होकर रजिया के भाई भी वापिस कराची चले गए। अम्मा और रजिया ने यहाँ रहना ही मुनासिब समझा। अलबत्ता परवीन बाजी को अम्मा ने कुछ दिन के लिए रोक लिया। जब वो भी वापस जाने लगी तो अम्मा ने कहा कि तुम ही कराची में अपने आस पड़ोस में कोई मुनासिब सा रिश्ता ढूंढ लो। परवीन बाजी चली गई, एक माह बाद फिर एक औरत के साथ आ गई। ये औरत परवीन के मोहल्ले की थी, माली हैसियत बस बराबर की थी, लड़का तमाम बहन भाइयों में सबसे बड़ा था, घर वालों को इतना मालूम था कि किसी होटल पर वेटर है। अम्मा को तस्वीर देखते ही लड़का कुछ अच्छा लगा। फिर बाजी परवीन ने भी कहा कि हमने कभी इसकी कोई शिकायत नहीं सुनी। रजिया भी बानो आपा को पसंद आ गई और रिश्ता पक्का हो गया। एक माह बाद की निकाह की तारीख तय हो गई, दोनों तरफ शादी की तैयारियां शुरू हो गई। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन अम्मा ने इस बोझ समेत हर परेशानी से छुटकारा पाना था, मगर तकदीर का लिखा किसी को मालूम नहीं होता। अम्मा को क्या मालूम कि ये परेशानी मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ेगी। आज सुबह ही 8 बजे रजिया की बारात आ गई। कोई 15-20 आदमी थे। खातिर तवाजा के बाद निकाह, फिर दूध की रस्म, फिर जूता छुपाई। तमाम खवातीन उस जोड़ी पर खुशी का इजहार कर रही थी, मगर राशिद दुल्हा मियाँ बिल्कुल खामोश और सपाट, किसी भी मौके पर जरा सी भी मुस्कुराहट ना थी, कोई होंठों को हरकत ना हुई, बस मतलब की बात और मुख्तसर जवाब। आखिर रुखसती का वक्त आ गया। दोनों माँ बेटी ने गले लिपट कर खूब दिल हल्का किया। रजिया अपना आंगन और सहेलियों को रोता हुआ छोड़कर रुखसत हो गई। रजिया की बारात वापसी का सफर कर रही थी। पुराने सफर रजिया को अब्बाजी बहुत याद आ रहे थे। अम्मा का उदास चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। जिंदगी में वो पहली मर्तबा इतना लंबा सफर कर रही थी, कहाँ मुल्तान कहाँ कराची। रात को कोई 10-11 बजे वो लोग कराची पहुंच गए। ससुराल में पहुंचकर रजिया की बड़ी आवभगत हुई। राशिद तो घर पहुंचते सीधा अपने कमरे में जाकर लेट गया, सफर की थकान की वजह से जल्द ही नींद की आगोश में चला गया। उधर रजिया ससुराली औरतों लड़कियों से खूब बात समेट रही थी। फिर रात गए उसे उसके कमरे में पहुंचा दिया गया। राशिद दुनिया और माफिया से बेखबर हो गया था। इधर सफर की थकन के बावजूद नींद रजिया से कोसों दूर थी। कुछ नई जगह, नए लोग, नया घर, कुछ ज्यादा रोने की वजह से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। यहाँ तो सब कुछ अपने घर से कदर मुख्तलिफ था, हर कोई अजनबी और जो अपना था वो बेसुध पड़ा था। इसी दौरान रजिया अपने माजी में खोई हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। याद रहे कि उनके कमरे का एक दरवाजा घर की जानिब तो दूसरा गली की तरफ खुलता था। कौन हो सकता है इस वक्त?
रजिया यकदम चौंक गई। पहले सोचा खुद ही उठकर देख लूं, फिर ख्याल आया मेरे लिए तो यहाँ सब नया है, पता नहीं कौन होगा। फिर रुक गई और राशिद को जगाया कि पता करे। इसी दौरान दरवाजा फिर खटका। राशिद उठकर गया, बाहर किसी आदमी ने राशिद से कुछ बात की, बस एक तो लम्बे बाद वो आदमी चला गया। गली में अंधेरा होने की वजह से रजिया कुछ भी ना देख पाई। राशिद वापस पलटा तो रजिया ने बेसाख्ता सवाल कर दिया, कौन था और इस वक्त क्यों आया था? गरीबन ये दोनों के दरमियान मुलाकात का पहला जुमला था जो रजिया ने दोहराया था, शायद आखिरी भी यही था। राशिद उसकी तरफ देखे बगैर ही फिर वापस आकर लेट गया। खैरियत तो है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? रजिया फिर गोया हुई तो राशिद चिल्लाया कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता, ध्यान से मेरी बात सुनो। ये शादी वादी दुल्हन और लड़कियां वगैरह मेरे नजदीक कुछ भी नहीं, तुम्हें रोटी कपड़ा छत मिलेगी। और हाँ, मैं क्या करता हूँ, कहाँ खाता हूँ, देर से क्यों आता हूँ, आइंदा मुझसे किसी भी किस्म का कोई सवाल मत करना वरना तुम खुद जिम्मेदार होगी। जब जी चाहे मेके और जब जी चाहे ससुराल आती जाती रहो, कोई रोक टोक नहीं, लेकिन ये मत सोचना कि इन फजूल कामों के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और वो एक मिट्टी का बुत बनी न जाने किन सोचों में गुम थी। सारे अरमान सारे ख्वाब चकनाचूर, अब कुछ भी तो ना बचा था उसके पास। आंसू थे कि कब के दामन को भिगो चुके थे और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। न जाने कौन से पहर रात को उसकी आंख लगी, उसका अपना उसके पास तो कुछ भी ना बचा था। एक मासूम सी जान कहां बिना सलाखों के कैद हो चुकी थी। जब सूरज सर पर आ गया तो किसी के झुंझुड़ने से उसकी आंख खुली, देखा तो बाजी परवीन उसे जगाने आई थी। रजिया उठो फ्रेश हो जाओ। रजिया उठी, कुछ देर के बाद वापस आई तो परवीन ने जब गौर से देखा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था, वीरानियों के साए मंडला रहे थे, वो सदियों की बीमार लग रही थी। अरे मेरी प्यारी बहन, मेरे पास आकर बैठो। परवीन ने उसे अपने सामने बिठाया और बोली कि बताओ रात कैसी गुजरी, तुम राशिद को पसंद तो आ गई हो ना? अच्छा बताओ मुंह दिखाई में क्या दिया राशिद ने तुम्हें? उसने गालियां। क्या? हाँ गालियां, ये भी तो हर एक को नहीं मिलती ना, शायद मैं खुशकिस्मत हूँ जो ये मेरे हिस्से में आई। मगर क्यों? बस बाजी और कुछ मत पूछना। और रजिया इतना ही कह सकी और परवीन से लिपट गई। खूब दिल का गुबार हल्का किया। अरे क्या हो क्या है रजिया, मुझे सब बताओ तो सही। लेकिन वो कुछ ना कह सकी और बोली, बाजी मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मुझे अम्मी के पास वापस जाना है। हाँ हाँ, आज तो तुम्हारे ससुराल वालों का वलीमा है, सब मेहमान आएंगे, मैं तुम्हें कल सुबह ही मुल्तान भेज दूंगी। और हिम्मत ना हारो, जब मैं यहाँ आई थी तो बिल्कुल अकेली थी, पता है पूरा एक महीना रो के गुजारा था। अब वही कराची वही घर, तुम्हारे साथ तो हम सब है ना। चलो उठो, शाबाश, जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रजिया ना जाने किन सोचों में गुम थी, उसे पता भी ना चला कब शाम हो गई, मेहमान जा चुके थे, उसे एक बार फिर उस कमरे में पहुंचाया गया। रात को ही रजिया और उसके भाई और भाभी का सामान पैक कर दिया गया। सुबह 4 बजे वो लोग मुल्तान के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचकर रजिया अपनी माँ से रिपट कर खूब रोई। बाद में जब सारी हकीकत सामने आई तो अम्मा बोली कि आने दो उसे, तुम फिक्र ना करो, उसके तुम्हें कान खींचूंगी। कितना रुलाया है मेरी बच्ची को, 2 दिन 4 दिन 10 दिन फिर 1 महीना गुजर गया और वो नहीं आया। अब तो मोहल्ले में अजीब तरह की बातें शुरू हो चुकी थी। फिर रजिया के ससुराल परवीन के जरिए पता करवाया गया तो मालूम हुआ कि वो लोग तो कहीं और शिफ्ट हो चुके थे, किसी को कोई इल्म न था कि कहाँ गए। फिर जिरगा बिठाया गया तो ये तय हुआ कि अदालत से रुजू किया जाए। अदालत ने 2-3 नोटिस भिजवाए मगर कोई जवाब न मिला। फिर अदालत ने ही हुक्मनामा जारी कर दिया कि रजिया इस रिश्ते से आजाद है। रजिया को अदालत की तरफ से तलाकनामा मिल चुका था। फिर 1 साल यूं ही गुजर गया, कराची वालों का किसी का कोई अता पता मालूम ना हुआ। फिर वही अम्मा जाफरा और वही बेटी की शादी की टेंशन। काफी तगड़ो के बाद जिला खानेवाल से एक रिश्ता आया। लड़का शादीशुदा था मगर औलाद नहीं थी, अपना घर था अपनी दुकान थी। अमीन के तमाम बहन भाई अपने अपने घर बार वाले थे और उसके वालिदैन भी कुछ अरसा पहले चल बसे थे। अमीन अपनी अहलिया नजमा के हमरा खुद रजिया को देखने आया। अब की बार चंद लोगों ने खानेवाल जाकर खुद तसल्ली की कि सब ठीक तो है, कहीं कराची की तरह धोखा ना हो। जब पूरा यकीन हो गया तो ये रिश्ता तय हो गया, फिर शादी हो गई और रजिया एक बार फिर दुल्हन बनकर ससुराल पहुंच गई।
अमीन राशिद से कदरे मुख्तलिफ था। खुश मिजाज, नमाज का पाबंद, सादा तबीयत का मालिक, वो एक नेक इंसान था। उसके पास प्यार, दौलत सब कुछ था, बस एक औलाद की कमी थी। शादी को 6 साल गुजरने के बावजूद तमाम टेस्ट क्लियर होने के बाद भी वो औलाद को तरस रहे थे। दिन बड़ी हंसी खुशी से गुजर रहे थे। अमीन दोनों बीवियों को हर तरह इंसाफ दे रहा था, यहाँ तक कि शॉपिंग हो, पॉकेट मनी हो या कुछ खाने की फरमाइश, दोनों को बराबरी का दर्जा हासिल था। मगर छोटी बहू होने की वजह से रजिया ने नजमा को हमेशा बड़ी बहन की तरह समझा और उसकी इज्जत और एहतराम में हर वक्त काम में मगन रहती। सौतनों वाली उनमें कोई बात ना थी, बल्कि नजमा ने खुद अमीन को दूसरी शादी का कहा था। फिर रजिया भी नजमा का ही इंतखाब थी और नजमा भी रजिया को अपनी बहन ही समझती थी। तभी ना चला कि कब शादी को 6 माह गुजर गए। एक दिन रजिया की तबीयत थोड़ी खराब हुई तो उसे अस्पताल ले जाया गया। बाद में पता चला कि रजिया माँ बनने वाली है। रजिया और नजमा ये खबर सुनकर बहुत खुश हुई कि चंद माह बाद उनके यहाँ एक नन्ना खिलौना आने वाला है, जिसका अमीन को बेचैनी से इंतजार था। आज वो बहुत खुश था, दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि आज उसकी दुआएं रंग लाई। सच है कि शादी के बाद अगर औलाद ना हो तो ये दुनिया पराई सी लगती है। इंसान खुद को सहरा में जकड़ा महसूस करता है। किसका मन नहीं करता कि उसकी नस्ल आगे ना बढ़े। हर कोई यही चाहता है कि कोई तो हो जो बुढ़ापे में उसका सहारा बने। खैर, जहाँ अच्छे लोग हों वहाँ बुरे भी होते हैं। अमीन बाप बनने वाला था, ये खबर आग की तरह मोहल्ले में फैल गई। हर कोई अमीन को मुबारकबाद दे रहा था। फिर एक औरत जिसके मोहल्ले में किसी से ना बनती थी, उसको भी इल्म हो गया। जिसका काम बस लोगों को आपस में लड़वाना था या तमाशा देखना था, वो भी दुकान पर आई और अमीन को मुबारकबाद दी। बस फिर क्या था, उसने नजमा को वरगलाना शुरू कर दिया। अब तो वह हर रोज दुकान पर आने लगी, किसी न किसी बहाने नजमा से ढेरों बातें करती। वो नजमा से कहती कि जब ये बच्चा दुनिया में आएगा तो तुम एक नौकरानी होकर रह जाओगी, तुम्हारी कदर कम हो जाएगी। अमीन की सारी तवज्जो रजिया और बच्चे पर हो जाएगी। उसे दूसरे लोगों की मिसालें देती, जिसका असर ये हुआ कि नजमा उस औरत के बहकावे में आ गई और यहीं से इस घर की बर्बादी शुरू हुई। एक हंसता बसता घर उस जालिम औरत से बर्दाश्त न हुआ, और किसी के घर को उजाड़ कर न जाने ऐसे लोगों को क्या मिलता है। अब जरा जरा सी बात पर घर में तख करामी शुरू हो गई, जो आगे जाकर लड़ाई की सूरत में बदल गई। अमीन की सारी हमदर्दी रजिया के साथ थी, जिससे नजमा को उस औरत की बातें सच लगने लगी। वो दोनों को समझाता कि लड़ाई अच्छी नहीं, दोनों मिलजुल कर रहो, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। नजमा तय कर चुकी थी कि जो भी हो वो इस बच्चे को दुनिया में नहीं आने देगी। चाहे कुछ भी हो, अपनी इसी सोच को अमली शक्ल देने के लिए वो उठी और रजिया के पास उसके कमरे में आ बैठी और बोली कि रजिया, तुम मुझे गलत मत समझो, तुम्हें पता है कितनी देर हो चुकी है और तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। अपनी सेहत का जरा ख्याल भी है तुम्हें, ऐसे तो तुम कमजोर हो जाओगी ना, और बच्चे की सेहत पर भी असर पड़ेगा। आज से शाम का खाना मैं बनाया करूंगी, तुम टाइम से खाकर आराम करो। रजिया ने कहा, जी अच्छा, ऐसा ही करूंगी। आज वो अपने इरादे को अमली शक्ल देने वाली थी। उसने जल्दी जल्दी शाम का खाना बनाया, प्लेट में डालते वक्त खाने में जहर मिला दिया। खाना लेकर रजिया के कमरे की तरफ चलती। पहले ये होता था कि शाम का खाना तीनों एक साथ खाते थे, अब चूंकि नजमा का हुक्म था और नसीहत भी थी कि आज उसे अकेले खाना पड़ रहा था, उसे क्या खबर थी कि इस खाने में जहर है जिसे खाते ही वो इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो जाएगी। रजिया खाने का पहला चम्मच मुंह में डालने वाली थी कि सामने दरवाजा खुला, अमीन और खालिद अंदर आ गए। खालिद चूंकि नजमा का भाई था। अमीन अंदर दाखिल होते ही बोला कि वाह भाई, आज अकेले ही खाना खाया जा रहा है, चलो हम भी साथ खाते हैं। रजिया खाना छोड़कर खड़ी हो गई, बोली कि आप लोग खाएं, हम बाद में खा लेंगे। नजमा ने जब खालिद और अमीन को उस जहर मिले खाने पर बैठे देखा तो उसके होश उड़ गए। वो चिल्लाई कि ये खाना तो सिर्फ रजिया के लिए बनाया है, जो हम सब के लिए कम है। आप लोग बैठे बातें करें, मैं झट से और खाना बना लाती हूँ। छोड़े आप ही, बहुत देर हो जाएगी, बहुत भूख लगी है, खालिद बोला। अरे कोई देर नहीं लगती, मैं खाना तैयार करके लाती हूँ। वो चली गई। वो दोनों भी बातों में मसरूफ हो गए। इधर वो किचन में अपना काम कर रही थी, नजमा को अपनी नाकामी पर अफसोस हो रहा था, और वो होशियारी से खालिद और अमीन से भी बच गई। खालिद और अमीन भी उस खाने को न छू सके। अब क्या करूं, वक्त भी कम है, अगर वो इस दुनिया में आ गया तो नहीं, मुझे जल्दी से कुछ करना है। इसी दौरान उसे एक तरकीब सूझी। खाना कमरे में ले जाते हुए वो जानबूझकर रजिया से टकराई, खाना फर्श पर बिखर गया और वो जानबूझकर गिर पड़ी। देखकर नहीं चल सकती क्या, हाय मेरी कमर। लेकिन बाजी, आप तो खुद मुझसे टकराई है,
जुबान बंद करो, मुझे उठाओ। रजिया जैसे ही उसे सहारा देने के लिए झुकी, नजमा ने उसे पकड़कर जमीन पर गिरा लिया। उसे लाते और ठुड्डे बरसाए। आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। पास ही पड़ी मोटी सी लकड़ी उठाई और रजिया के पेट पर पे दर पे मारनी शुरू कर दी। उसके सिर्फ एक चीख निकली और वो बेहोश हो गई। चीख की आवाज सुनकर वो लोग भी कमरे से बाहर आ गए। इतनी देर में नजमा अपा काम करके डंडा नुमा लकड़ी को फेंक चुकी थी। क्या हुआ इसको? पता नहीं, अचानक गिर पड़ी है, अमीन के पूछने पर नजमा बोली। अमीन दौड़ता हुआ अपने दोस्त के घर गया, जिसकी अपनी गाड़ी थी, जो अभी अभी घर आया था। रजिया को गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाया गया। बच्चा पेट में ही मर चुका था, खून भी काफी बह चुका था और जल्दी से रजिया को होश में लाना भी जरूरी था। अमीन की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। डॉक्टरों ने खून मांगा, फिर रजिया को होश आया, फिर मुर्दा बच्चे का डिलीवरी केस भी हो गया। सारी रात उन लोगों की अस्पताल में गुजरी, खाना सोना सब छूट गया। सुबह उनको घर जाने की इजाजत मिल गई। कुछ देर बाद वो लोग घर पर मौजूद थे। इन सारे कामों में खालिद भाई पेश थे। अमीन तो गुंगसा होकर रह गया था, उसकी खुशी गम में बदल गई थी। उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही दुनिया वालों के जुल्म का शिकार होकर दुनिया से रूठ चुका था। अमीन को हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। खालिद उसे तसलियां दे रहा था कि सब्र करो, अल्लाह बेहतर करेगा। इसी दौरान अमीन रजिया के पास आया और सारी बात मालूम की कि आखिर नौबत यहाँ तक क्यों आई। रजिया ने अपने साथ पेश आने वाला सारा वाकया बयान कर दिया, जिसे सुनकर अमीन को नजमा पर शदीद गुस्सा आ गया। उसने फौरन नजमा को मारना पीटना शुरू कर दिया कि मैंने तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी जो तुमने मुझे ये सजा दी। क्या कसूर था उस मासूम बच्चे का? तुझे मुझसे या रजिया से अगर कोई शिकायत थी तो मुझे कहा होता ना? मैंने तो तुम्हें कभी उफ तक नहीं कहा। अगर रजिया से कोई शिकायत थी तो फिर उसे ब्याह कर ही क्यों लाई थी? तुम्हारे कहने पर ही मैंने दूसरी शादी की। बोलो तुम बोलते क्यों नहीं नजमा? इतना कहकर अमीन फूट फूट कर रोने लगा और दीवार के साथ टेक लगा कर बैठ गया। बोलो आप ही, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? इस बार खालिद नजमा से मुखातिब था, मगर वो ना बोली। अमीन फिर बोला कि सच बता दे कि तूने ऐसा क्यों किया, वरना या तो मैं खुदकुशी कर लूंगा या तुझे मार दूंगा। अमीन पास पड़ी ईंट उठाकर नजमा की तरफ बढ़ने लगा। आज या तो तू सच बताएगी या फिर हम दोनों में से कोई एक मरेगा। वो वैशी हो चुका था। नजमा उसे इस हालत में देखकर सहम गई और बोलने लगी कि अपने मुकाम को खोता हुआ नहीं देख सकती थी, मैं भी किसी के बहकावे में आ गई थी। दुनिया में हर इंसान से गलती होती है, मुझसे भी हो गई। अमीन बोला कि काश एक बार तुम उस बच्चे को दुनिया में आने तो देती, मुझे एक मौका तो देती, एक बार तो आजमाती। तुमने खुद ही अपना मुकाम खो दिया और शक को परवान चढ़ने दिया। अब तुम्हारी यही सजा है कि अभी और इसी वक्त घर छोड़कर चली जाओ। खुद औलाद पैदा नहीं कर सकती थी तो मेरी औलाद को बर्दाश्त करने का हौसला भी ना पैदा कर सकी। अब जाओ, मुझे तुम्हारी कतई जरूरत नहीं। मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, सिर्फ एक बार, प्लीज सिर्फ एक बार माफ कर दो मुझे। वो रो रो कर अमीन के कदमों में बैठ गई, फिर रजिया के पांव पकड़ कर इल्तिजा करने लगी। मैं तुम दोनों के मुजरिम हूँ, सिर्फ एक बार खुदा के लिए माफ कर दो। चलो माफ किया, अमीन बोला, लेकिन किसके कहने पर तुमने ये कदम उठाया? उसका नाम बताओ, उसकी तुम्हें खबर लेता हूँ, जिससे हमारे घर की खुशियां हजम नहीं हो रही। नजमा ने उस औरत का नाम बता दिया। उधर वो औरत घर से गायब थी, दरवाजे को ताला लगा था, ना जाने कब वापिस आई होगी। जब उसे तमाम वाकये का इल्म हुआ तो उसे अपनी शामता थी दिखाई थी। वो रातों रात सामान समेट कर बच्चों को साथ लेकर न जाने कहाँ जा चुकी थी। उसका खाविंद दूसरे शहर मुलाजमत करता था, जो डेढ़ दो माह बाद घर लौटता था। उसके यूं रात को गायब हो जाने की वजह से लोग उससे नफरत करने लगे, जो पहले भी करते थे। उसे डर था कहीं अमीन पुलिस में रिपोर्ट ना करवा दे, क्योंकि जो जहर खाने में मिलाया गया था वो उसी औरत ने लाकर दिया था। बस चार पांच दिन बाद अमीन की तबीयत खराब हो गई। बीमारी की किसी को कोई समझ नहीं आ रही थी, कभी ये डॉक्टर कभी वो डॉक्टर, कभी हकीम तो कभी आमिल, मगर उसकी तबीयत ना संभल सकी। आखिर एक मोहल्ले के बुजुर्ग ने कहा कि किसी अच्छे अल्लाह वाले सियाने या फिर पीर को दिखाना चाहिए। सिर्फ 15-20 दिनों में वो सदियों का बीमार लगने लग पड़ा था, चेहरा मुरझा चुका था, आंखें अंदर को धंस गई थी, दुकान और घर भी इलाज के लिए फरोख्त हो चुके थे, जमा पूंजी भी खर्च हो चुकी थी, अब किराए का घर लिया जा चुका था। आखिर उसे एक अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास ले जाया गया। बुजुर्ग ने अमीन का जायजा लेकर कहा कि तुम लोगों ने मुझ तक पहुंचने में देर कर दी,
इस पर खतरनाक किस्म का जादू करवाया गया है जो अपना काम दिखा चुका है। साथ ही बुजुर्ग ने उस मनहूस औरत का इशारा भी दे दिया। मायूसी के साथ अमीन को वापस लाना पड़ा। उस पर शिफा की दुआएं कराई गईं, न्याज तकसीम किए गए, मगर बेसूद। आखिर एक दिन रात के किसी पहर औलाद की हसरत दिल में लिए इस जालिम दुनिया को वो हमेशा के लिए छोड़कर मालिक के हकीकी से जा मिला। क्या कसूर था उसका? शायद वो सूरत को कुछ भी न कहता या FIR दर्ज भी न करवाता या फिर इस वाक्य को फरामोश कर देता, मगर उसको नाकर्दा गुनाह की सजा दी गई थी। अमीन का घर बार सब कुछ उसके साथ ही खत्म हो चुका था। दोनों बीवियां इद्दत के दिन पूरे करके अपने मेके जा चुकी थी। चंद महीनों बाद ये किस्सा माजी का हिस्सा बन गया। रिश्तेदार और भाई अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गए। अमीन को गुजरे 8-10 माह गुजर चुके थे। अम्मा जाफरा को फिर बेटी की फिक्र खाने लगी। वो चाहती थी कि अपने मरने से पहले वो फर्ज अदा कर जाए, मगर रजिया ने तो ये सोचना ही छोड़ दिया था। अभी तो वो अमीन को ही ना भुला पाई थी कि बड़ी आपी नसीम उसे अपने साथ जिला लिया ले गई कि किसी न किसी तरह इसका दिल बहल जाए और ये माजी से बाहर आए। वहां रहते हुए एक रंडवा रिश्ता आ गया। ज्यादा बड़ा घराना नहीं था, बस दोनों मां और बेटा थे, बाकी बहन भाई शादीशुदा थे। लड़के का नाम अफजाल था, जो महकमा जंगलात के एक आला अफसर का ड्राइवर था। उसकी पहली बीवी फोत हो चुकी थी, मगर इस बार रजिया खुद उन लोगों के पास आ गई जहां आपी नसीम, अफजाल और उसकी माँ बैठे बात कर रहे थे। सलाम के बाद रजिया कहने लगी कि मैं अब शादी नहीं करूंगी, शायद मेरा नसीब ही ऐसा लिखा गया है। अब दुख बर्दाश्त करने की मुझ में हिम्मत नहीं, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। इसके साथ ही वो रोती हुई कमरे से बाहर आ गई। वो लोग चले गए। बाद में आपी नसीम और हलीमा ने रजिया को बहुत समझाया कि जिंदगी बहुत लंबी है, तन्हा ये सफर कैसे तय होगा, जो हो गया उस पर सब्र करो और अब यही सोचो कि आगे क्या करना है। इसी दौरान एक दिन अफजाल भी उनके घर आ गया। वो रजिया से मुखातिब हुआ कि देखो, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, तुम्हें भी दुखों के सिवा कुछ नहीं मिला और मुझे भी एक बार ठोकर लग चुकी है। अगर हम एक दूसरे का सहारा बन जाए तो माजी को भुला सकते हैं। मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। ये कहकर वो चला गया। जैसे तैसे करके उसे राजी कर लिया गया। अब रजिया तीसरी बार दुल्हन बनने जा रही थी। सादगी से निकाह हुआ। रुखसती के वक्त हर कोई दुआ कर रहा था कि या अल्लाह, अब की बार तो इस बेचारी की कश्ती किनारे लगा दे, अब की बार तो ससुराल में इसके लिए खुशियां लिख दे। और वो ससुराल पहुंच गई। अफजाल ने बहुत कोशिश की कि वो अपना माजी भूल जाए। डेढ़ महीने के बाद एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर से पता चला कि वो मां बनने वाली है। आखिर वक्त ही सबसे बड़ा मरहम होता है। रजिया और अफजाल अपने घर में खुश थे। एक दिन अफजाल की मां का इंतकाल हो गया। कोई हफ्ता बाद अफजाल ड्यूटी पर गया तो उसका दिल उदास सा था। पहले तो माँ होती थी घर पर, अगर वो शाम को लेट भी हो जाता था तो उसे फिक्र नहीं होती थी, मगर अब ऐसा नहीं था। अब तो रजिया अकेली होती थी। उसने 2 हफ्तों की छुट्टी मांग ली और रजिया को वक्त देने लगा कि उसे तन्हाई का एहसास ना हो। फिर उसे घुमाने निकल पड़ा, कभी ससुराल, कभी बहनों के यहाँ, कभी यहाँ, कभी वहां। अभी 2-3 दिन की छुट्टी बाकी थी कि दफ्तर से फिर बुलावा आ गया। अगले दिन उसे ड्यूटी पर जाना था। उसके ऑफिसर का काम बहुत बढ़ गया था, इसलिए अफजाल उसके साथ कभी छंग, कभी टेरा गजी खान, कभी मुल्तान तो कभी राजनपुर। अब वो हर रोज रात को देर से घर आने लगा था। मुसलसल ड्राइविंग करने से वो थक गया और उसे नौकरी से उकताहट होने लगी। आज जिला राजनपुर की तहसील रोजान से वापस आ रहा था। रात के 9 बज चुके थे। बार बार ये एहसास हो रहा था कि मैं काफी लेट जा रहा हूँ। रजिया घर में अकेली है, पता नहीं उसका टाइम कैसे गुजरा होगा। नहीं, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, वो माँ बनने वाली है, मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। वो पुख्ता इरादा कर चुका था। इतनी देर में वो घर पहुंच गया। अगले दिन छुट्टी थी जो उसने घर रहकर गुजारी। दूसरी सुबह वो जल्दी से तैयार हुआ। न जाने आज रजिया को वो क्यों अच्छा लग रहा था जो टिकटिकी बांधे उसे देखी जा रही थी। जब अफजाल ने गौर किया तो कहने लगा, आज तो अल्लाह खैर करे, ऐसे तुमने पहले तो कभी नहीं देखा। वो जाने लगा, जाते जाते रजिया से बोला, ओके खुदा हाफिज, शाम को जल्दी आ जाऊंगा, शाम को डिनर बाहर करेंगे, मेरा इंतजार करना, लेकिन अगर भूख लगे तो कुछ खा लेना, वरना ये भी भूखा मर जाएगा। उसने रजिया के पेट की तरफ इशारा किया और फिर वो चला गया। शायद आज पहली बार उसे दरवाजे तक वो छोड़ने आई थी। वहीं खड़े उसे दूर तक जाता देखती रही। आज उन लोगों की मंजिल जिला भक्कर की तहसील मनकीरा का वो इलाका था जहां सरकारी दरख्तों की गैर कानूनी तरीके से कटाई की जा रही थी। वो लोग वहां पहुंचकर सारा दिन अपने काम में मसरूफ रहे। पुलिस भी वहां मौजूद थी। न चला कब शाम हो गई, कोई 5-6 बजे उनकी वापसी हुई तो अफजाल गाड़ी के करीब आया। मालूम हुआ कि टायर पंक्चर था। इसने भी आज ही धोखा देना था। उसके पास इजाफी टायर भी नहीं था क्योंकि वो भी 4 दिनों से पंक्चर शॉप पर पड़ा हुआ था।
वो जल्दी जल्दी टायर खोलने लगा, लेकिन यहाँ कुर्बा जुवार में कोई दुकान नहीं थी। गाड़ी झंग भक्कर रोड को छोड़कर थोड़ा सा साइड एरिया में थी। अलबत्ता किला हैदराबाद नामी कस्बा यहाँ से चंद किलोमीटर दूर था। अफजाल टायर उठाकर वीराने से सड़क पर आ गया और बस में सवार होकर हैदराबाद पहुंच गया। जब उसकी वापसी हुई तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी कम हो चुकी थी। टायर साथ होने की वजह से उसे कोई भी सवार नहीं कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छाने लगा, मुसाफिरों की तादाद में इजाफा हो गया, जबकि गाड़ियां बस एकाधुका ही गुजर रही थी, वो भी मुसाफिरों से भरी हुई थी। वो दीगर गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगा, मगर कहाँ। कोई 1.5 घंटा यूं ही गुजर गया। रात की तारीकी, हर तरफ सन्नाटा। आखिर एक ट्रक वाले ने उसे लिफ्ट दी। कुछ देर बाद वो मतलूबा जगह पहुंचकर उतर गया। अब उसे टायर उठाकर 800 गज दूर अपनी गाड़ी के पास जाना था। रास्ता भी कच्चा और गैर हमवार था। रेतले टीले और झाड़ियों से गुजरता हुआ आखिर गाड़ी तक वो पहुंच गया। जब वो वहां से निकला तो रात के 11 बजने वाले थे। पैदल मुसाफिर और भूख की वजह से अफजाल का बुरा हाल था। आज जंगल में दोपहर को भी कुछ नहीं खाने को मिला था। अलबत्ता पंक्चर शॉप के करीब से उसने कुछ खा लिया था। गाड़ी तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। झाड़ियां नुमा इलाका पीछे की तरफ भाग रहा था। वो जल्दी घर पहुंचना चाहता था, लेकिन इस कोशिश में वो मुसलसल नाकाम हो रहा था। अभी 2 घंटे की मुसाफत बाकी थी, लेकिन वो उड़कर घर पहुंचना चाह रहा था। न जाने कब वो ख्यालों की दुनिया में चला गया। आज ही की तरह वो उस दिन भी वापसी पर लेट थे। उस दिन अम्मी बड़ी बहन के घर शाह जमाल गई हुई थी। आज ही की तरह उस दिन भी उसकी बीवी नीलम घर पर अकेली थी और वो लेट था। और ठीक आज ही की तरह उसकी पहली बीवी नीलम ने भी उसे बड़े प्यार से घर से रुखसत किया था। आज ही की तरह इतफाक से नीलम भी उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। रात को बारिश हो रही थी, नीलम अकेली थी, लाइट भी नहीं थी, हर तरफ अंधेरा था। बारिश जोर से बरस रही थी, हर कोई अपने अपने घरों में दुबका हुआ था। नीलम को टॉयलेट जाना था, वापसी पर उसका पांव फिसल गया था। उसने किसी को मदद के लिए पुकारा था, मगर उस वक्त उसके पास कोई ना था। उसे काफी चोट आई थी, खून काफी बह चुका था। नीलम को बर वक्त तिब्बी इमदाद नहीं मिल सकी थी। बिजली खूब जोर से कड़क रही थी। जब वो घर पहुंचा था तो वो आखिरी सांसें ले रही थी। उसको सहारा देते ही वो उसकी बाहों में झूल गई थी। और उसी दिन की तरह रजिया भी माँ बनने वाली है। घर पर अकेली है तो क्या नीलम की तरह मेरे घर पहुंचते ही रजिया भी? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ये नौकरी आज ही छोड़ दूंगा। अगर रजिया को कुछ हो गया तो बस इसी बात पर उसकी सुई अटक गई। ख्यालों में उसे ये एहसास ही न रहा कि गाड़ी की रफ्तार कितनी खतरनाक थी। स्पीडोमीटर की सुई आखिरी हदों को छू रही थी और वो ख्यालों में गुम था। इतनी देर में सामने से कोई चीज करीब आ गई। इससे पहले कि वो हवास पर काबू पाकर जहनी तौर पर बहाल होकर गाड़ी को कंट्रोल करता कि एक जोरदार धमाका हुआ। गाड़ी सामने से आते हुए ट्रक से टकराकर बिल्कुल तबाह हो गई थी और वो दोनों मौके पर ही जहां बहक हो गए। बस फिर क्या था, हर तरफ मातम। रजिया की जिंदगी में एक बार फिर अंधेरा। पूरा मोहल्ला सोगवार था। अफजाल की मौत से रजिया को गहरा सदमा पहुंचा था। कुदरत उसकी किस्मत के साथ अजीब खेल खेल रही थी। उस बेचारी को कुछ भी ना पता था कि क्या हो रहा है। वो गुमसुम एक कोने में बैठी थी। अफजाल के चेहलम के बाद रजिया के भाई अफजाल का घर उसके भाइयों को फरोख करके रजिया को अपने साथ मुल्तान ले आए। अब वहां तो उसका अपना कोई नहीं था, फिर उसे किसके सहारे पर छोड़ते। उन्होंने मुबारकपुर वाला घर और जमीन किराए पर देकर रजिया और माँ को साथ दिया और कराची ले गए। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया। रजिया की सेहत काफी कमजोर हो चुकी थी। जिंदगी का वक्त करीब था। अफजाल की आखिरी निशानी यानी उसका होने वाला बच्चा ही उसके पास था। एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई। डिलीवरी केस के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया। कुछ देर बाद अल्लाह ने खूबसूरत बेटा रजिया को अदा किया, जो बिल्कुल अपने बाप जैसा था। वहां से फारिग होकर वो लोग अस्पताल के मेन गेट पर घर वापसी के लिए टैक्सी का बंदोबस्त कर रहे थे कि अचानक एक शोर सा उठा। जब गौर किया तो मालूम हुआ कि एक पुलिस वैन एक मुजरिम के ताकुब में इस तरफ आ रही थी। मोटरसाइकिल सवार मुजरिम अस्पताल के गेट के सामने से गुजरने लगा तो फिजा में एक फायर की आवाज गूंजी। इसके साथ ही हर तरफ खामोशी छा गई। पुलिस वैन रुक चुकी थी। पुलिस की गन से निकली गोली ने अपना काम कर दिया था। वो मोटरसाइकिल सवार रोड पर गिर चुका था। इससे पहले पुलिस उस तक पहुंचती, उन लोगों ने गौर से देखा तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो कोई और नहीं, राशिद था। हाँ, 100% राशिद, रजिया का पहला खामिद, जो टारगेट किलिंग और भत्ता वसूली मंशियात की फरोख के जुर्म में पुलिस को मतलूब था। पुलिस कई दिनों से उसकी तलाश में थी। आज उसका पुलिस से आमना सामना हो गया था। वो एक पुलिस कांस्टेबल पर फाइल खोलकर भाग खड़ा हुआ था और यहाँ पहुंचकर पुलिस ने उसे धर लिया था। ये सब मंजर देखकर वो गश खा गई। जब होश आया तो वो पहली वाली रजिया नहीं थी। न जाने क्या हुआ कि वो बोलने और सुनने से महरूम हो गई।
वो बेचारी रजिया आज भी जिंदा सलामत है मगर सुन और बोल नहीं सकती। उसका बेटा 10वीं जमात में पढ़ रहा है। अम्मा जाफरा की बेटी को अच्छा ससुराल मिलने की ख्वाहिश दिल में ही रह गई और अम्मा जाफरा ये ख्वाहिश दिल में लिए इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। रजिया की बाकी जिंदगी का इन्हिसार उसके भाइयों और बेटे पर है। दुआ को है कि अल्लाह उसके बेटे को लंबी उम्र वाला माँ का फरमा बरदार बनाए। जिस माँ ने इतनी अजियतें बर्दाश्त करके अपने जीने के एक वाहिद सहारे को पाया।